दोस्तों, अगर आप कुवैत आना चाहते हैं तो आपको कितना पढ़ाई करके आना चाहिए, कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए कि कुवैत में आके आपको 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी मिले। कुवैत में ऐसे कई जॉब हैं, अगर आपकी डिग्री उस जॉब के हिसाब से रहेगी तो आपको कुवैत में 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलेगी, उससे कमती नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में आज आपको कई ऐसे जॉब के बारे में बताएँगे, अगर आपकी उतनी डिग्री रहेगी तो आप कुवैत में आके 2 से 2.5 लाख रुपये सैलरी कमा सकते हैं, पा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहली जॉब है सेफ्टी इंजीनियर की, अगर आपके पास सेफ्टी से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिग्री है, अगर आप एज ए सेफ्टी इंजीनियर कुवैत आते हैं तो आपको जो महीने की सैलरी मिलेगी 1000 से लेकर 1200 दिनार, 1000 से लेकर 1200 KD सैलरी मिलेगी एज ए सेफ्टी इंजीनियर। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर में आते हैं तो उसकी सैलरी थोड़ा कमती होती है, वो भी 800-900 KD मिलती है। तो अगर आप सेफ्टी से रिलेटेड कोई कोर्स करके आते हैं, कोई डिग्री लेके आते हैं तो आपको कुवैत में मोटी सैलरी मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि 1000 KD का इंडिया में कितना होगा, इस समय 263 रुपये 1 KD का होता है। तो चाहे आप बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से, कहीं से भी हैं, तो आपके करेंसी के हिसाब से उसकी सैलरी होगी। तो ये मान के चलिए अगर आप एज ए सेफ्टी इंजीनियर आते हैं कुवैत में तो आपको 1000 से लेकर 1200 दिनार सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप इसका कोर्स करके आते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेटर है एज ए सेफ्टी इंजीनियर, एज ए सेफ्टी ऑफिसर। दूसरी जो जॉब है वो है सेफ्टी सुपरवाइज़र। इसमें सुपरवाइज़र की जो सैलरी होती है वो है 500 से लेकर 700 KD। अगर आपके पास कोई डिग्री है सेफ्टी सुपरवाइज़र की तो उसमें 500 से लेकर 700 KD सैलरी मिलेगी, यानी 500 से लेकर 700 दिनार सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये हाई सैलरी जॉब है, इसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए, डिग्री चाहिए, ठीक है, कोर्स चाहिए, तब आपको ये जॉब मिलेगी। तो अगर आप सेफ्टी से रिलेटेड आपके पास कोई डिग्री है तो आप कुवैत में आसानी से जॉब सर्च कर सकते हैं। और जिनके पास ये सब डिग्रियां हैं वो किसी एजेंट या ऑफिस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वो खुद अपना जॉब ज्वाइन करेंगे कुवैत में आके, उन लोगों के पास इतना हुनर रहेगा, ठीक है, एज ए सेफ्टी सुपरवाइज़र, एज ए सेफ्टी इंजीनियर। तीसरी जॉब है इलेक्ट्रिक फोरमैन। अगर आप कुवैत में एज ए इलेक्ट्रिक फोरमैन आते हैं तो आपको 400 से लेकर 500 दिनार आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोरमैन की। तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है, इसके लिए आपको थोड़ा डिग्री चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए काम के बारे में, तब आपको ये सब जॉब मिलेगी, इलेक्ट्रिकल फोरमैन। और जो चौथी जॉब है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, ठीक है, इसमें सुपरवाइज़र भी होते हैं, आप लोगों को पता होगा एक सुपरवाइज़र के अंडर में तकरीबन 8-9 फोरमैन होते हैं, ठीक है। तो जो फिलहाल में जो इन लोगों की सैलरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की जो सैलरी है 500 से लेकर 700, ठीक है, 500 से लेकर 700 इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की सैलरी है, फोरमैन की 400 से लेकर 500, ठीक है, ये सैलरी है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। सुपरवाइज़र, अगर आप सुपरवाइज़र हैं तो 500 से लेकर 700 दिनार आपको सैलरी मिलेगी, अगर आप सुपरवाइज़र की जॉब करना चाहते हैं कुवैत में तब। और जो पाँचवीं जॉब है वो है सिविल इंजीनियर की। सिविल इंजीनियर की कुवैत में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसके लिए आपको हाई एजुकेशन चाहिए, हाई डिग्री चाहिए, तभी ये जॉब आपको मिलेगी। और आप लोगों को पता है कि कुवैत में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन काम होता है, इसके लिए सिविल इंजीनियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकी बहुत डिमांड होती है, यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है। तो इसकी जो सैलरी होती है वो है 1000 से लेकर 1200 KD, इसकी भी सैलरी है सिविल इंजीनियर की 1000 से लेकर 1200 KD। अगर आपके पास सिविल इंजीनियर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, डिग्री है, तो ये जॉब आपको आसानी से कुवैत में मिल जाएगी और हाई सैलरी मिलेगी, ये सब हाई सैलरी जॉब है, ठीक है, सिविल इंजीनियर की। और जो छठवीं जॉब है वो है एलिवेटर मेंटेनेंस फोरमैन। एलिवेटर मतलब जो लिफ्ट का मेंटेनेंस का काम करवाते हैं फोरमैन, उनकी सैलरी 300 से लेकर 400 KD। अगर आपके पास लिफ्ट से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, डिग्री है, तो ये जॉब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, एलिवेटर मेंटेनेंस फोरमैन की जॉब, ठीक है, इसकी सैलरी 300 से लेकर 400 KD, 400 दिनार, ये हाई सैलरी है। आप लोगों को पता होगा कि 1 KD कितना इस समय हो रहा है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं एलिवेटर मेंटेनेंस फोरमैन की तो ये आपको बहुत आसानी से कुवैत में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का काम होता है, लिफ्ट का काम होता है। और सातवां जॉब है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो सैलरी है कुवैत में 1000 से लेकर 1200 KD तक सैलरी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल का काम होता है, आप लोगों को पता है विदेश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल का काम होता है। अगर आपके पास इसकी डिग्री है, डिप्लोमा है, तो ये जॉब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और साथ में आपको एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, ठीक है, आपका इंटरव्यू होगा उसके हिसाब से आपको इतनी सैलरी मिलेगी, नहीं तो आपको कमती भी मिल सकती है,
ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये भी बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी इसमें मिलती है कुवैत में। और जो आठवीं है वो है एलिवेटर मेंटेनेंस इंजीनियर, ठीक है। एक था एलिवेटर मेंटेनेंस फोरमैन, ये है एलिवेटर मेंटेनेंस इंजीनियर, इसकी जो सैलरी है वो है 600 से लेके 750 केडी, ठीक है, 600 से लेके 750 केडी सैलरी है एलिवेटर मेंटेनेंस इंजीनियर की। जो लिफ्ट का इंजीनियर होता है उसकी इतनी सैलरी है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी जॉब है, इन जॉब को करने के लिए आपको हाई एजुकेशन चाहिए, डिग्रियाँ चाहिए, एक्सपीरियंस है, तभी ये सब जॉब आपको मिलेंगी। और जो नौवीं है वो है पीएम, पीएम का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो साइट का पीएमओ होता है यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, उसकी जो सैलरी यहाँ पे कुवैत में होती है 1500 से लेकर 1700 केडी तक होती है, ठीक है, 1500 से लेकर 1700 केडी जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, पूरा साइट का मैनेजर होता है, ठीक है। एक सीएम होता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर, दूसरा होता है पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर, पूरे प्रोजेक्ट का वो मैनेजर होता है, तो उसकी जो सैलरी होती है वो है 1500 से लेकर 1700 केडी तक सैलरी है। तो दोस्तों ये सब हाई सैलरी जॉब थी, हाई एजुकेशन चाहिए, ये सब जॉब को करने के लिए आपके पास डिग्रियाँ होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब ये सब जॉब आपको मिलेंगी और अच्छी सैलरी मिल मोटी सैलरी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर हमसे कोई गलती होगी तो माफ़ करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।